सर, ये राष्ट्र युवा वाहिनी का जो आज कार्यक्रम है, किस उपलक्ष्य में, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे संगठन के पदाधिकारियों को बनाए गए हमले समस्त हिंदू संगठन, जितने सरकारी संगठन हैं उनके ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के संरक्षक रणजीत बच्चे जी की हत्या हुई, इसके पहले कमलेश तिवारी की हत्या हुई, और ऐसे जगह पर हत्या की जाती है जहाँ मुख्यमंत्री और 425 विधायक रहते हो, समस्त MLA MP भी यहीं रहते हैं, अधिकतर लखनऊ में रहते हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी उसी जगह पर रहते हैं जिस जगह पर आए दिन हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की हत्याएं हो रही। आखिरकार क्या मंशा है सरकार की? हमारा तो मानना यह है कि अगर सरकार के 4-5 मंत्री अगर मार दिए जाए तब सरकार के अंदर लगेगा कि अब हम लोग खतरे में हैं। सरकार की मंशा क्या है? अभी राष्ट्रीय युवा वाहिनी के युवा प्रकोष्ठ के जितेंद्र शर्मा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनके घर पर जानलेवा हमला किया गया। इनकी पत्नी और मंडल प्रभारी लखनऊ युवा प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी शुभम गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए। इस संबंध में हमारी प्रेस वार्ता है और हम सरकार को 25 तारीख तक अगर सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तो हम संगठन के हमारे 25 प्रदेशों में हमारा संगठन है, भारत की अन्य 4 देशों में हमारा संगठन है, 65 लाख पदाधिकारी हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में एक आंदोलन छेड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं। ऐसा नंबर ना आ जाए कि अपने पदाधिकारियों को बचाने के लिए, हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को बचाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी का खुले मन से विरोध करना पड़े। इस पर अगर नहीं सरकार मानती है तो हमें मजबूरन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना होगा और इनका विरोध हम जमीन से लेकर के रोड सड़क से लेकर के संसद तक हम विरोध करेंगे अपने पदाधिकारियों को बचाने के लिए। हमारे बगल में बैठे हुए युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जीतेन भास्कर जी हैं, युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतेन शर्मा जी हैं, मीडिया प्रभारी गौरव बाजपेयी जी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहन यादव हैं, राष्ट्रीय संयोजक सैयद हुसैन नकवी जी भी हैं और बहुत सारे पदाधिकारी हैं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी महिला प्रकोष्ठ से राष्ट्रीय सचिव रश्मि शुक्ला जी हैं, जो भारतीय नारी संस्कार घटक की राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, मंडल अध्यक्ष संदीप बाजपेयी जी भी हैं, संदीप पांडे नाम है और बहुत सारे पदाधिकारी हैं, दूर दराज से आए हैं। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी मीडिया बंद हो जाए, हमारी एक बात हम कहना चाहेंगे। देखिए, सरकार का पक्ष भी रखिए और विरोध भी करिए, जिस जगह पर जैसा लॉकडाउन उस तरीके से काम करिए। अधिकतर लोग कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, हम जो चीज बोल रहे हैं वही चीज आप लोग लिखिए, हम डरते नहीं है। देखिए, जो लोग कहते हैं कोरोना भी है, वायरस चल रहा है, अधिक खतरनाक है, हमारा मानना है इससे अधिक खतरनाक दिल्ली में अकेला अरविंद केजरीवाल है। जितने लोग पूरे भारत में कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा उसने दिल्ली में मरवा दिए। क्या समस्या है भाई, उससे ज्यादा तो खतरनाक अरविंद केजरीवाल है। दूसरी चीज, हिंदू धार्मिक स्थानों पर ही रोक लगाई जा रही है, अभी तक किसी मस्जिद के ऊपर ये रोक नहीं लगाई। क्या